लोकसभा बेलागंज। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक बेलागंज विधानसभा सीट है। बेलागंज विधानसभा सीट पर पहली बार साल 1962 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के रामेश्वर ने जीत हासिल की। साल 1967 में हुए चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार एसएन सिन्हा ने बाजी मारी। साल 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह जीते। वहीं साल 1972 में एनसीओ जितेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी। साल 1977 में जनता पार्टी के शंभु प्रसाद ने चुनाव जीता। साल 1980 में कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न शरण सिंह ने बेलागंज सीट पर जीत हासिल की। साल 1985 में एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी ने बाजी मारी। वहीं साल 1990 से 2020 तक इस सीट पर लालू यादव के चहेते सुरेंद्र प्रसाद यादव ने ही जीत हासिल की है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट सुरेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। सुरेंद्र यादव को 79,708 वोट हासिल किया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट अभय कुमार सिन्हा ने 55,745 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था, तो एलजेपी कैंडिडेट रामाश्रय शर्मा तीसरे स्थान पर रहे थे। अब अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने हम पार्टी के मोहम्मद शरीम अली को हराया और विधायक चुने गए। सुरेंद्र प्रसाद यादव को कुल 71,067 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मोहम्मद शरीम अली को कुल 40,726 वोट मिले। तो वहीं तीसरे स्थान पर सीपीआई के कुमार जितेंद्र रहे और उन्हें कुल 8,114 वोट मिले। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने एक बार फिर से जीत हासिल की। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जेडीयू के मोहम्मद अमजद को हराया। पहले स्थान पर रहे सुरेंद्र को कुल 53,079 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मोहम्मद अमजद को कुल 48,441 वोट मिले। तो वहीं तीसरे स्थान पर शिवसेना के बबलू रविदास रहे, जिन्हें कुल 8,942 वोट मिले। सुरेंद्र प्रसाद यादव अब जहानाबाद के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, इसलिए बेलागंज सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा है, इसलिए इस बार भी यहां से आरजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।